हेलो सो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं तो so, नेक्स्ट है मल्टीनोमियल थ्योरम तो बाई नॉर्मियल में बाई मतलब टू होता है मल्टीनोमियल में मतलब मोर देन टू टर्म्स तो मल्टीनोमियल थ्योरम मोर देन टू टर्म तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री मैंने तीन का ले लिया तो रेस टू एन तो इसमें जब एक्सपेंड करेंगे तो so एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा एक्स वन रेस टू आर एक्स टू रेस टू एस और एक्स थ्री टू टी आएगा तो कोफिशंट ऑफ इसका क्या कोफिशेंट होगा और कुछ कंस्टेंट्स भी हैं तो कोफिशेंट होगा एन फैक्टोरियल और तीनों को बांट दिया तो आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल तो एक्स वन रेस टू आर एक्स टू रेस टू एस और एक्स थ्री रेस टू टी अच्छा कंस्टेंट क्या है कि आर एस टी की जो वैल्यू है वो जीरो से एन ही हो सकती है और तीनों के एडिशन क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना यहाँ पे एन को तीनों में बांटा है तो इन तीनों का सम एन ही होना चाहिए तो आर प्लस एस टी आर प्लस एस प्लस टी मस्ट बी एन तो आर प्लस एस प्लस टी मस्ट बी एन होना चाहिए क्योंकि उसी को एन को ही इसने इसमें बांटा है ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन ऐसे है कि फाइंड द रेशियो ऑफ कोफिश ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई जेड टी स्क् पावर का सम फोर आ रहा है एंड एक्स वाई जेड टी इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स वाई प्लस जेड प्लस टी रेस टू फोर तो ठीक है तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा तो हम लोगों ने देखा था एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल अब देखो ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड है ज़ीरो और टी की पावर है ज़ीरो इसका ये मतलब है तो ये हो जाएगा टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल वन होता है ज़ीरो फैक्टोरियल वन होता है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सिक्स क्योंकि फोर फैक्टोरियल इज ट्वेंटी फोर नीचे लिखा 4. है फोर नेक्स्ट है कोफिशियंट ऑफ वाई जेड टी स्क्वायर तो कितना होगा फोर फैक्टोरियल तो इसको ऐसे देख सकते हैं एक्स एस टू ज़ीरो वाई रेस टू वन जेड रेस टू वन टी रेस टू टू तो जीरो फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल तो जाएगा ट्वेल्व फिर कोफ़िशंट ऑफ एक्स वाई जेड टी तो ये तो ईजी है तो फोर फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल ट्वेंटी फोर तो रेशियो कितना आया सिक्स टू ट्वेल्व इज टू ट्वेंटी फोर रेशियो इज वन इज टू टू इज टू फोर नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म अच्छा रैशनल का मतलब है कि जो पावर होगी वो होल नंबर होगी तो रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इन एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस टू रेस टू वन बाई टू प्लस थ्री रेस टू वन बाय थ्री रेस टू सिक्स तो वो कह रहा है कि रैशनल टर्म का मतलब है जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए तो पहले तो इसका जनरल टर्म लिखते हैं तो इसका जनरल टर्म देखूंगा तो वो आएगा सिक्स फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल एक्स रेस टू यानी वन रेस टू तो वन रेस टू आर टू रेस टू वन बाई टू रेस टू एस और थ्री रेस टू वन बाय थ्री रेस टू टी तो रैशनल टर्म का मतलब है जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए तो अगर देखा जाए तो ये लिखा है सिक्स फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल तो वन रेस टू आर तो वन ही हो गया कोई दिक्कत ही नहीं है तो टू रेस टू एस बाय टू थ्री रेस टू टी बाय थ्री तो ये रैशनल टर्म तब होगा जब एस बाई टू होल नंबर हो और टी बाय थ्री होल नंबर हो एक और भी कंस्टेंट है क्या आर एस टी जो होगा वो सिर्फ ज़ीरो से लेके सिक्स ही हो सकता है तीनों का जो सम है वो सिक्स होना चाहिए ये कंस्टेंट तो साथ में चल रहा है इट्स बिकॉज ऑफ द मल्टी नमर थियोरम कि तीनों की वैल्यूज जीरो से सिक्स के बीच में होनी चाहिए और तीनों का सम भी जो होगा वो सिक्स होगा तो ठीक है तो एस बाई टू होल नंबर है टी बाई थ्री होल नंबर है एस जबकि ज़ीरो से सिक्स है तो इसका मतलब है एस की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है ज़ीरो टू फोर सिक्स और टी की वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल है जीरो थ्री और सिक्स तो मैं क्या करता तो टी आर एस टी की वैल्यूज जितनी पॉसिबल है उतने टर्म्स पॉसिबल हैं तो मुझे निकालना है कितने रैशनल टर्म्स पॉसिबल हैं तो टी की क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है जीरो तो उस समय एस की वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल है ज़ीरो टू फोर सिक्स फिर टी की वैल्यू थ्री पॉसिबल है तो एस की क्या होगी जीरो टू फोर सिक्स लेकिन मुझे आर भी देखना पड़ेगा तो T6 तो S हो जाएगा जीरो टू फोर सिक्स अब मुझे R की वैल्यू सच दैट कि R प्लस एस प्लस टी सिक्स है तो देखो तो ये आ जाएगा सिक्स फोर टू ज़ीरो होगा थ्री एक माइनस वन माइनस थ्री फिर ये हो जाएगा ज़ीरो माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स लेकिन आर जो है आर एस टी वो सिर्फ जीरो से सिक्स तक ही हो सकते हैं तो तो ये माइनस वन पॉसिबल नहीं माइनस थ्री पॉसिबल नहीं माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स पॉसिबल नहीं तो एक दो तीन चार पाँच छ और सात तो ऐसे कितने टर्म्स आए तो सेवन तो इसका ये मतलब है कि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो सेवन रैशनल टर्म्स आएंगे नेक्स्ट कुछ रिमार्क्स हैं एक, एक दो रिमार्क्स हैं तो फर्स्ट है कि वो मल्टीनोमियल थ्योरम में नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकलेंगे सो नंबर ऑफ टर्म्स एन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट 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 एक्स एम रेस टू एन तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से निकलेगा ये कैसे निकलेगा कि इनको मान लो भिकारी भिकारी क्यों क्योंकि हम इनको एन चीजें इन सारे भिकारियों को देंगे एन भिखारी को तो एन एन कॉइंस इन एम भिकारी को देंगे सच देट कि किसी को कुछ ना मिले या कुछ मिल जाए या सब कुछ मिल जाए पर एन देना ही सारा है सबको तो देखा जाए तो और नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं कि होगा क्या एक्स वन की पावर एम वन एक्स टू की पावर एम टू ऐसे करते करते एक्स एम की पावर एम एन एम एम तो ये जो सम है एम वन प्लस एम टू प्लस एम एम तो इसका सम जो होगा वो एन आना चाहिए इसका सम एम एन आना चाहिए और एम वन एम टू एम थ्री दे आर होल नंबर्स दे आर होल नंबर्स तो इसके क्या सॉल्यूशंस होंगे तो बैगर मेथड, तो इसमें लगेगा बैगर मेथड। तो बैगर मेथड क्या कहता है ऑब्जेक्ट प्लस भिकारी माइनस वन सी भिकारी माइनस वन सो दीज आर द नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस एम माइनस वन सी एम माइनस वन ये नंबर ऑफ टर्म्स होंगे सेकेंड रिमार्क है कोफिशेंट ऑफ x एस टू आर एन वन माइनस एक्स एस टू माइनस एन तो कितना होगा एन प्लस आर माइनस वन सी आर या फिर और हमें पता है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट मतलब सबस्क्रिप्ट को हम लोग ये भी लिख सकते हैं एन माइनस तो यानी एन प्लस आर माइनस वन सी एन माइनस वन दोनों एक ही बात है नहीं तो तुम इतना ध्यान रखो सबस्क्रिप्ट का सम सुपरस्क्रिप्ट होना चाहिए सबस्क्रिप्ट का सम सुपरस्क्रिप्ट होना चाहिए तो दोनों की वैल्यू बराबर होती है नेक्स्ट ये आया कहाँ से तो देखो हम लोगों ने ये सीखा था वन प्लस एक्स एस टू एन का बाइनोमल एक्सपेंशन तो वन प्लस एन एक्स प्लस एन इन टू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियन डॉट 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 तो सोचो वहाँ पर कोफिशंट ऑफ एक्से एस टू आर निकालना है मुझे तो एक्स एस टू आर के आगे क्या होगा तो डिनोमिनेटर में आर फैक्टोरियल क्योंकि जो पावर वही फैक्टोरियल और न्यूमरेटर में क्या होगा एन एन माइनस वन से लेके एन माइनस तो देखो जब हम वन पे गए तो एन माइनस जीरो जब टू पे गए तो एन माइनस वन है तो इसका मतलब एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर प्लस वन लेकिन अब एक और चीज़ नोटिस करना हमने एन की जगह माइनस एन और एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है तो एन की जगह माइनस एन और तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है तब अपने को कोफिशंट ऑफ एक्स एस टू आर मिलेगा तब अपने को कोफिशेंट ऑफ एक्स एस टू आर मिलेगा तो ठीक है ये माइनस एन माइनस एन माइनस वन ऐसे करते करते माइनस एन माइनस आर प्लस वन फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स एस टू आर अपॉन आर ठीक है तो इसमें पूरे में माइनस कॉमन लिया तो ये आर टाइम्स आ रहा तो माइनस वन रिस्टू आर इसका भी एक माइनस वन रेस्टू आर ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन से लेके एन प्लस आर माइनस वन इंटू एक्स एस टू आर अपॉन आर तो ये माइनस वन डेज टू आर इंटू माइनस वन डेज टू आर ये प्लस वन हो जाएगा तो यानी कोफिशंट ऑफ एक्सेस टू आर कितना हुआ एन प्लस आर माइनस वन एन प्लस आर माइनस टू से लेके n एन प्लस वन इंटू एन अपॉन आर फैक्टोरियन तो यानी कोफिशंट ऑफ एक्सेस टू आर क्या हुआ एन प्लस आर माइनस वन से लेके n एन और इसके पीछे एन माइनस वन इनसे मल्टीप्लाई कर दो वन तक तो यानी नीचे एन माइनस वन का फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल नेक्स्ट तो क्वेश्चन ऑफ एक्स एस टू आर हो जाएगा एन प्लस आर माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन अपॉन तो मैं एन माइनस वन को एज इट इज रखा और आर को लिखा मैंने एन प्लस आर माइनस वन माइनस आर नहीं आर को मैंने लिखा एन प्लस आर माइनस वन माइनस एन माइनस वन का फैक्टोरियल तो ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट माइनस सबस्क्रिप्ट तो ये चला गया बाइनोमियल कोफिशेंट तो सुपरस्क्रिप्ट सी सब्सक्रिप्ट विच इज आल्सो इक्वल टू एन प्लस आर माइनस वन सी आर एंड चैप्टर इज़ कंप्लीट